भक्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि भृगु से जुड़ी एक कथा के बारे में जो काफी प्रचलित है। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इन्हें सप्तऋषि मंडल के ऋषियों में से एक माना गया है। ये उस समय की बात है जब सरस्वती नदी के तट पर कई ऋषि मुनि एक साथ बैठकर आपस में ये बात कर रहे थे कि आखिर ब्रह्मा जी, शिव जी और श्रीहरि में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब इस बात का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना त्रिदेवों की परीक्षा ले ली जाए। ये कार्यभार ऋषियों ने महर्षि भृगु को सौंपा। सभी की अनुमति से महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया, लेकिन ये सोचकर वो शांत हो गए कि भृगु उनके पुत्र हैं। उसके बाद ही महर्षि भृगु कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव महर्षि भृगु को देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनके स्वागत के लिए अपनी भुजाएं फैला दी, परंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनके आलिंगन को अस्वीकार करते हुए बोले, देवाधिदेव, आप हमेशा ही वेदों और धर्म के खिलाफ चलते आ रहे हैं। दुष्टों व असुरों का मान आपके कारण ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप उन्हें जो वरदान देते हैं उससे हमेशा सृष्टि संकट में आ जाती है। इसलिए मैं आपका ये आलिंगन स्वीकार नहीं करूंगा। महर्षि भृगु की बात सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध में शिव जी ने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती ने विनती कर उन्हें शांत किया। अब कैलाश पर्वत के बाद महर्षि भृगु वैकुंठ लोक की ओर चल दिए। उस समय भगवान श्रीहरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। ये देख भृगु मुनि ने वहां पहुंचते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी, जिससे श्रीहरि अपने आसन से उठ गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवन, आपके पांव में चोट तो नहीं लगी, कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। हे भगवन, मुझे आपके आने का समाचार ज्ञात नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, कृपया कर मुझे क्षमा करें। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। श्री हरि का ये व्यवहार देख भृगु मुनि के आंखों में आंसू आ गए। वहां से वो वापस ऋषि मुनियों के पास लौट गए। उन्होंने सारी कहानी विस्तार से सभी को बताई। उनकी बातें सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया और उन सभी का ये संदेह भी दूर हो गया कि इन तीनों देवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन के बाद से ही भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हालांकि माना जाता है कि ऋषियों ने ये लीला स्वयं के लिए नहीं बल्कि मनुष्य